खबर आ रही है अब रिया चक्रवर्ती की जेल से बाहर आते ही रिया के ड्रग्स ठिकानों को लेकर। अब रिया चक्रवर्ती को जानबूझकर एनसीबी ने बेल दिलवाई है कोर्ट से, ताकि रिया चक्रवर्ती कोई ऐसा कदम उठा ले जिसके चलते एनसीबी के हाथ कोई बड़ा सबूत लग जाए। ऐसे में अब खबर ये वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स डीलर से फिर से कर रही है बातचीत और सारे सबूतों को मिटाने की कर रही है कोशिश। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से सुशांत के उस फ्लैट पर पहुंची जहाँ पर सुशांत के साथ हादसा हुआ था, और यहाँ पर पहुंचने के बाद कर रही है कोशिश सबूतों को मिटाने की। ऐसे ही अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती का ये गलत कदम रिया चक्रवर्ती पर फिर से कई सारी मुश्किलों को उनके ऊपर लेकर आ सकता है, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती जिस पर सिर्फ शक था सुशांत के साथ हुए हादसे का, वो शक अब यकीन में बदल जाएगा जब रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर पर मिलेगी सबूत मिटाती हुई। क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो अपने ड्रग्स लेती थी वो अपने घर से दादा सुशांत के घर पर रखवाती थी, क्योंकि सुशांत ड्रग्स इस्तेमाल करता था और इसके साथ रिया भी ड्रग्स लिया करती थी। और ऐसे में अब खबर है कि रिया चक्रवर्ती फिर से सुशांत के घर को अपने ड्रग्स का ठिकाना बनाएगी और वहीं से ड्रग्स का लेन देन एक बार फिर से शुरू करेगी, जिसके बाद फिर से एनसीबी का शिकंजा होगा रिया चक्रवर्ती का। तो ये है ड्रग्स का ठिकाना रिया चक्रवर्ती का सुशांत का घर, जहाँ पर दीपेश सावंत कुक नीरज और स्थापित थाने के साथ उनका रिया चक्रवर्ती खेल शुरू करती थी और खेलती थी ड्रग्स का खेल। मैं अपना लाइफ से बचने की कोशिश